सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आज का है, दैट इज़ फार्मेको विजिलेंस। तो फार्मेको विजिलेंस बेसिकली है क्या? तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ ऑल साइड इफेक्ट्स, अनवांटेड इफेक्ट्स एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग एंड मेक अ डेटा कंटेनिंग सच इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सो दैट दोज इफेक्ट कैन बी एग्जामिन एंड देयर रिकरेंस कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। तो जैसे कि पता है कि इंडिया इज़ द मोस्ट लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी फार्मेकोलॉजिक इंडस्ट्रीज हम या फार्मास्यूटिक इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ है। ओके, सो आते जाते मार्केट में आए दिन बहुत सारी ऐसी ड्रग्स आती है कि जिससे कि उसका थेरेपेटिक यूज से ज़्यादा उसके साइड इफेक्ट्स है। तो उसके स्टडी करना या फिर उसके टॉक्सिक हार्म इफेक्ट्स या फिर मार्केट में रिलीज़ करना और उसके रिलेटेड जो भी कुछ हम डेटा लेते हैं या फिर सोर्स से इकट्ठा करते हैं, तो ताकि फर्दर या फिर आने वाले टाइम में हमको नुकसान या फिर ह्यूमंस को नुकसान ना हो, तो उसकी वजह से एक डेटा या फिर सोर्स तैयार किया जाता है। दैट इज़ नोन एज फार्मेको विजिलेंस। तो WHO क्या डिफाइन करता है कि इट इज़ द साइंस एंड एक्टिविटी टू द डिटेक्शन, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, डिटेक्शन, फिर एक्शन, फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग और प्रिवेंट करना। और बेसिकली मैंने भी डेफिनेशन में वही लिखा है कि कोई भी अनवांटेड इफेक्ट या फिर एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग एंड मेक डेटा कंटेनिंग सच इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू दोस इफेक्ट कैन बी एग्जामिन एंड द री अकरेंस। मतलब फिर से अगर मार्केट में कोई उसके रिलेटेड ड्रग आती है तो हम पहले से ही उसको डिनाई कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। तो और एंड पहले भी है वो सॉसर्च कंडीशंस। ठीक है, तो जैसे कि बीच में भी एक विक्स की कोई मेडिसिन आई थी, आई थिंक पावर 100 या फिर करके कोई टैबलेट आएगी, तो उसको भी बैन किया गया था। तो दैट वॉज बिकॉज ऑफ द फार्मेको विजिलेंस। ओके, तो इसका मेन फार्मेकोलॉजिकल का मेन एम क्या होता है या फिर बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो ड्रग रिलेटेड हार्म टू द पेशेंट को डिक्रीज़ करना, मतलब डिक्रीज ड्रग रिलेटेड हार्म टू पेशेंट्स। ओके, सिंपल सा। अब एक्टिविटीज़ में क्या है कि पोस्ट मार्केटिंग स्टडी पहले तो होती है कि रिपोर्ट बाय डॉक्टर्स और बाय हेल्थ प्रोफेशनल कि एक बार ड्रग मार्केट में आया तो डॉक्टर्स ने क्या रिपोर्ट किया और हेल्थ प्रोफेशनल से क्या व्यूज़ मिले इसको। ठीक है, ये दूसरा है कि प्रिस्क्रिप्शन इवेंट मॉनिटरिंग कि प्रिस्क्रिप्शंस कैसे दिए जा रहे हैं और उसकी मॉनिटर की प्रिस्क्रिप्शन कितने ग्राम या फिर कितने डोज में, डेली डोज पे दी जा रही है मेडिसिन और क्या इफेक्ट हो रही है वो मॉनिटर करना। फिर कंप्यूटराइज्ड मेडिकल मेडिकल रिकॉर्ड लिंकेज। अब मेडिकल रिकॉर्ड भी जैसे कि किसी ने भी प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया तो जाके उसने दवाई खरीदी तो दे विल प्रोड्यूस अ कंप्यूटराइज्ड बिलिंग एंड दैट इज़ नोन एज द मेडिकल रिकॉर्ड। ओके, फिर फोर्थ है कि डिसिमेशन ऑफ ADR डेटा थ्रू, मतलब एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स के डिसिमेशन, मतलब उनको पहचानना। दैट इज ड्रग अलर्ट या मेडिकल एथर्स एंड एडवाइजरी इज सेंड टू फिजिशियन बाई रेगुलेटरी एजेंसीज। अब इसमें क्या है कि एजेंसीज जो प्रोड्यूस करती है ड्रग्स, ओके, तो वो एडवाइजरी जो प्रिस्क्राइब करता है, वो फिजिशियन प्रिस्क्राइब करता है ड्रग को, वो भी उसको पर्टिकुलर नॉर्म्स या फिर रेगुलेशंस वो भेजती है। ठीक है, कि क्या क्या ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स या ADR से। तो दैट इज़ नोन एज डिसिमेशन ऑफ ADR डेटा। एंड फिफ्थ इज़ चेंज इन लेबलिंग ऑफ मेडिसिन, वार्निंग एंड प्रिकॉशंस कि कैसे कैसे चेंज हो रही है लेबलिंग मेडिसिन की या फिर प्रिकॉशंस है उसको हैंडल कैसे करना है या फिर उसकी वार्निंग है कि कैसे यूज़ नहीं करना उसको। तो ये सभी एक्टिविटीज़ दैट इज़ पोस्ट मार्केट स्टडी, कैसे ड्रग आई, कैसी यूज़ हो रही है, कैसी उसकी डाटा हैंडलिंग हो रही है, कैसी उसकी मार्केटिंग हो रही है या फिर कैसे फिजिशियन उसको दे रहे हैं या फिर उसको यूज़ कैसे करना है, ये सभी एक्टिविटीज़ आर गाइडेड अंडर फार्मेको विजिलेंस। ओके, अब ये फार्मेको विजिलेंस का है ना एक येलो कार्ड फॉर्मेट जिसको हर एक क्या बोल सकते हैं, एक फार्मास्यूटिक इंडस्ट्री फॉलो करती है अपने ड्रग को रिलीज़ करने से पहले। ठीक है, तो वो क्या होता है, दैट इज़ ड्रग नेम, ब्रांड नेम भी हो सकता है या जेनरिक नेम भी हो सकता है। ओके, फिर मैन्युफैक्चरर, फिर बैच या लॉट नंबर, फिर एक्सपायरी डेट, फिर डोज यूज़, फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फिर फ्रीक्वेंसी कि
कितनी फ्रीक्वेंसी में देनी है, रीज़न ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कब देनी है, कैसे देनी है, ठीक है, एंड थेरेपी डेट कि कब थेरेपी हमने दी, ठीक है। फिर उसका कैजुअलिटी असेसमेंट भी होता है कि रिलेशनशिप विद टाइम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कि ड्रग को किस किस टाइम और कब कब लिया गया। फिर प्रीवियस नॉलेज अबाउट ड्रग कि प्रीवियस वो ड्रग हमने ली थी तो फिर कैसे हुआ, फिर इसे कैसे हुआ, ओके। फिर डी चैलेंज इवेंट ऑफ सब्सिडाइज्ड ऑन स्टॉपिंग ड्रग कि पिछली बार क्या हुआ था कि ड्रग स्टॉप हो गई थी, एंड रीचैलेंज ओके कि फिर से ड्रग आई तो हम कैसे उसको रीचैलेंज करके मार्केट में रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट में क्या है कि डेफिनेट प्रूव्ड, प्रोबेबल मतलब लाइकली टू कॉज इवेंट, पॉसिबल मतलब ड्रग एंड अदर कॉज, एंड डाउटफुल मतलब अनलाइकली टू कॉज द रिएक्शन बट कैनॉट बी रूल्ड आउट, ठीक है। तो ये फार्मेकोविजिलेंस बेसिकली, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं बट सिंपल सी बात है कि अगर हमारे एडवर्स ड्रग इफ़ेक्ट्स को रोकना है या फिर रीअकरेंस को रोकना है तो कैसे हमको ये कम्युनिटी या फिर ये ब्रांच हमको अवेयर करती है कि कैसे हमको हैंडल करना है सब चीज़ों को, और फार्मास्यूटिक इंडस्ट्रीज कैसे इनको हैंडल करती है, तो दैट इज़ फार्मेकोविजिलेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है बिटवीन जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। तो ये हमको बहुत अच्छे से याद करना है, तो देखते हैं, ओके। सो बेसिकली ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स है क्या? ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स इज समथिंग विच टेल्स यू अबाउट द रिएक्शन हैपनिंग। जब ड्रग हम लेते हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये दुनिया में भी है ना, दो तरह की रिएक्शंस होती है, या तो रिवर्सिबल या तो इरिवर्सिबल, ठीक है। अब उसमें भी अब अगर हम बॉडी में अगर हम डिफाइन करने जाए ना, तो दो तरह की मेजर रिएक्शंस होती है, दैट इज़ ज़ीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ज़ीरो ऑर्डर कैसी होती है, दैट इज़ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, मतलब अमाउंट कांस्टेंट रहना है गाइस, प्लीज़ याद रखना, कांस्टेंट अमाउंट इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल के बारे में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर 200 mg हमने ड्रग प्लाज्मा में डाला, ओके, तो आफ्टर 1 आवर 10 mg माइनस हो गया, तो 190 बच गया। फिर 1 आवर में 10 mg माइनस हो गया, 180 हो गया। तो मतलब -10 mg इज द कांस्टेंट अमाउंट, 10 mg इज द कांस्टेंट अमाउंट दैट इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। तो इसमें क्या है कि हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसेंट्रेशन एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्लियरेंस, मतलब प्लाज्मा कंसेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी क्लियरेंस कम होगी, और जितनी क्लियरेंस कम होगी उतनी हाफ लाइफ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन, ये हमको याद रखना है, दो पॉइंट्स याद रखना है, एक तो प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है एंड कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, ओके। एलिमिनेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्लाज्मा एंड क्लियर प्लाज्मा कंसेंट्रेशन एंड क्लियरेंस इज मोर एट लो प्लाज्मा कंसेंट्रेशन, तो मैंने रिलेशन आपको ऊपर वही दे रखा है, वही है, ठीक है, वाइल क्लियरेंस इज लो एट हाई प्लाज्मा कंसेंट्रेशन, ओके, वाइस वर्सा जैसे ही है। अ फ्यू ड्रग्स दैट गो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, तो मैंने इधर पे बहुत अच्छा निमोनिक बनाया कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में आप पावर का यूनिट सबको पता होगा, मतलब जो कमर्शियल यूनिट आजकल यूज होता है पावर में, दैट इज़ वॉट, और उसका स्पेलिंग क्या होता है, WATT, और वही पावर का, तो वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करने वाले, तो दैट इज ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स WATT, तो W से वॉरफेरिन, A से अल्कोहल, T से टॉलब्यूटामाइट एंड थियाफाइलिन, एंड पावर से फिनेटोइन। मेरे साथ सब साथ में फिर से एक बार रिपीट कर लो जिससे कि याद हो जाए, W से वॉरफेरिन, A से अल्कोहल, T से टॉलब्यूटामाइन, T से थियाफाइलिन एंड P से फिनेटोइन, ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे आते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत सिंपल है, बट हमको इसमें मेन कुछ चीज़ है वही याद रखनी है कि फर्स्ट जीरो ऑर्डर में जैसे कांस्टेंट अमाउंट रहा था, तो अब इसमें क्या है कि व्हेन द फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग रिमेंस कांस्टेंट, उसमें अमाउंट कांस्टेंट था, इसमें फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग रिमेंस कांस्टेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लेंगे, दैट इज 100 मिलीग्राम अगर दी तो 1 आवर के बाद 50 मिलीग्राम, मतलब 50 माइनस हो गए, अब 50 में से फिर 25 से
12.5, ऐसे करके धीरे धीरे धीरे, मतलब फ्रैक्शन कांस्टेंट रहेगा, आधा तो आधा ही एलिमिनेट होगा, 50% एलिमिनेट होगा, तो 50% विल बी, पहले 100 का 50% हो गया, फिर 50 का 50% हो गया, फिर 25 का 50% हो गया, ओके, मतलब इक्वली डिवाइडेंड होता चला जाएगा, ओके, तो आप समझ सकते हो कि उससे क्या होगा कि रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। और पहले जीरो डॉर में हमने क्या देखा था कि वो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, दैट इज़ द मेन डिफरेंस। एंड इधर पे क्या कॉन्स्टेंट था, उधर पे क्या कॉन्स्टेंट था, प्लाज्मा कंसंट्रेशन, बट इधर क्या कॉन्स्टेंट है, क्लियरेंस इज कॉन्स्टेंट, बट उधर पे क्या था कि जैसे जैसे हाफ लाइफ वॉज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू क्लियरेंस, एंड प्लाज्मा कंसनट्रेशन वॉज ऑल्सो द इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द क्लियरेंस, बट इधर पे हाफ लाइफ और क्लियरेंस दोनों कॉन्स्टेंट है, उधर पे दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रपोर्शनल थे, ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस याद रखना है हमको, ओके, सो ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर तो बहुत सारे ड्रग फॉलो करते हैं, इसलिए मैंने एग्जांपल नहीं दिया, ऑलमोस्ट ड्रग, बट जीरो ऑर्डर ड्रग्स के पूछ लिया जाता है, दैट इज़ वॉट, हमको याद रखना है, वॉरफेरिन, एल्कोहल, पावर से फिनेटोइन, टॉलब्यूटामाइट एंड थियाफाइलिन, ओके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेंगे, ओके। अब सी वाई पी एंजाइम इंड्यूसर एंड इनहिबिटर्स, ओके। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइटोक्रोम पी 450 एंजाइम इंड्यूसर्स एंड इनहिबिटर्स, तो इसके लिए मैं अच्छी तरह से समझा नहीं पाऊँगा, सो मैं एक लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, दैट इज़ अ एनिमेशन, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, दैट्स अ वेरी नाइस टू अंडरस्टैंड द सी वाई पी 415 के एक्चुअली है क्या, उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो हम इधर पे बस इंड्यूसर और इनहिबिटर्स को उसकी ड्रग मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएंगे और कम करेंगे, उसके बारे में हम बस पढ़ेंगे। तो सिंपल मैं तो भी आपको एक डेफिनेशन दे देता हूँ कि वो है क्या, मेरे वर्ड्स में जो मैंने लिखे है, तो वो है ना एक ग्रुप ऑफ एंजाइम, या फिर बोल सकते हैं एक फैमिली है एंजाइम्स की, कंटेनिंग हीम एज अ को फैक्टर दैट फंक्शन एज मोनो ऑक्सीजनेस। अब हीम उसमें को फैक्टर होता है, अब को फैक्टर क्या होता है, जो एंजाइम के साथ बाइंड करके उसकी एक्टिविटी को बढ़ाए, दैट्स अ को फैक्टर ऑफ द एंजाइम, तो उधर पे हीम एक्ट करेगा, ठीक है। एंड मैमल्स में क्या होगा, दिस प्रोटीन्स ऑक्सीडाइज स्टेरॉइड्स, फैटी एसिड्स एंड जीनोबायोटिक्स एंड आर इम्पॉर्टेंट फॉर क्लियरेंस ऑफ वेरियस कंपाउंड्स, ठीक है। अब मैंने क्लियरेंस भी आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि क्या ही होता है, ओके, तो एबिलिटी टू एक्सक्रीट द ड्रग मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, ड्रग और ड्रग मेटाबोलाइट्स, तो वो क्या करेगा कि प्रोटीन्स ऑक्सीडाइज स्टेरॉइड्स फैटी एसिड्स एंड जीनोबायोटिक एंड आर इम्पोर्टेंट फॉर क्लियरेंस ऑफ वेरियस कंपाउंड्स एज वेल एज फॉर हार्मोसिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन। मैंने आपको पिछले भी वीडियोस में शायद बताया था कि CYP450 इज इम्पोर्टेंट फॉर हार्मोसिंथेसिस एंड शटडाउन ऑफ देयर, या फिर उसको सिंथेसिस करना है या स्टॉप करना है उसमें, ठीक है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ साइटोक्रोम 450 एंजाइम, उसके फंक्शंस क्या है और उसके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, ओके। तो बेसिकली मैं तो इधर पे लिस्ट दे रहा हूँ बिकॉज गॉड नोस किसको कैसे पसंद आएगा, बट बेसिकली हमको याद रखना है ना, तो वी कैन जस्ट रिमेंबर थ्री ड्रग्स, ठीक है, तो दैट इज़ CPV, मैंने ऐसे ही याद रखा है, तो कार्बामाज़ेपिन एंड फिनेटोइन, दे बोथ आर इंड्यूसर्स जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएंगे CYP450 का, साइटोक्रोम P450 का, एंड वेलप्रोइक एसिड वो इनहिबिटर काम करेगा। बट मैंने इंड्यूसर्स के भी और इनहिबिटर्स के भी बहुत सारे एग्जांपल लिख रहे थे, तो आई विल जस्ट रीड आउट फॉर यू, याद तो आपको खुद को ही करना है, ओके। दैट इज कार्बामाज़ेपिन, रिफामपिसिन, एल्कोहल, फिनेटोइन, ग्रीसेफुलविन, फिनोबारबिटोल एंड सल्फोनिल रूएस, ओके, वो ड्रग एंड मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएंगे, ठीक है। एंड इनहिबिटर्स में वेलप्रोइक एसिड, कीटोकोनाजोल, आइसोनियाजिड, सल्फोनामाइड्स, क्लोरामफेनिकॉल, एमियोडेरोन एंड क्विनिडीन, वो ड्रग मेटाबॉलिज्म को कम करेंगे, हैंस दे आर इनहिबिटर्स, ओके। सो आई होप आपको ये साइटोक्रोम 450 वाला जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा, बट इट जस्ट आस्क CPV ही याद रखना है,
कार्बेमाजेपिन, फिनेटोइन, इंड्यूसर्स एंड वेलप्रोइक एसिड, दैट इज इनहिबिटर्स. एंड CYP450 क्या है? तो इट इज़ अ फैमिली ऑफ एंजाइम्स. और इन मैमल्स क्या करते हैं, वो मोनो ऑक्सीजनेज एंजाइम की फैमिली है, तो वो क्या करेंगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स और स्टीरॉइड्स और फिर हार्मोन सिंथेसिस और ब्रेकडाउन में मदद करेंगे. सिंपल सी बात है. ओके और अब हम एक मेन क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, दैट इज रिसेप्टर्स. ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी इसमें डिस्कस कर लेते हैं. ओके आई होप सो आपको बोरिंग नहीं लग रहा हो. ठीक है, तो रिसेप्टर्स क्या होता है? रिसेप्टर्स दे आर द मैक्रोमोलिक्यूल और बाइंडिंग साइट लोकेटेड ऑन द सरफेस और इनसाइड द सेल दैट रिकॉग्नाइज द सिग्नल ऑफ मॉलिक्यूल और ड्रग एंड इनिशिएट द रेस्पॉन्स. ठीक है, तो वो रिसेप्टर्स मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं दैट आर लोकेटेड ऑन द सर्फेस और इनसाइड द सेल. सर्फेस भी लोकेटेड हो सकते हैं या फिर सेल पे भी लोकेटेड हो सकते हैं. ठीक है, एंड दे रिकॉग्नाइज द सिग्नल मॉलिक्यूल और ड्रग एंड इनिशिएट द रेस्पॉन्स. ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको ये फिगर में दिखा रखा है कि सिग्नल या फिर ड्रग आते हैं, तो वो सिग्नल और बाइंडिंग साइट भी है. ठीक है, तो ड्रग प्लस रिसेप्टर दैट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स एंड देन द फर्दर थेरापेटिक एक्शन, जो भी ड्रग इंड्यूस्ड एक्शन है वो होगी. ओके अब टर्म्स में मैंने आपको अभी ड्रग एंटागोनिज्म भी कराया, तो मैं अब ये एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट का भी कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा. ठीक है, तो एगोनिस्ट क्या होता है? एगोनिस्ट आर विच एक्टिवेट द रिसेप्टर एंड गिव रिस्पॉन्स एज लाइक फिजियोलॉजिकल सिग्नल्स. तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि देखो ये फिजियोलॉजिकल सिग्नल एंड ड्रग, तो दोनों रिस्पॉन्स दे रहे हैं. ठीक है, मतलब फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स और ड्रग को दोनों और ड्रग उसको सपोर्ट करे, तो इट इज़ द एगोनिस्ट. ओके एंड इनवर्स एगोनिस्ट क्या करेगा? विच एक्टिवेट द रिसेप्टर बट प्रोड्यूस रिस्पॉन्स इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एगोनिस्ट. मतलब रिसेप्टर रिसेप्टर को तो एक्टिव करेगा, बट जो एक्शन है वो उसके अपोजिट प्रोड्यूस करेगा. तो पहले एगोनिस्ट देखो कि सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि फिजियोलॉजिकल ड्रग में दोनों साथ में प्रोड्यूस कर रहे थे, ऊपर के डायग्राम में देख सकते हो. बट इनवर्स एगोनिस्ट क्या करेगा? वो रिसेप्टर को एक्टिवेट तो करेगा, दोनों की एंटिटी सेम ही होगी, बट वो जो डायरेक्शन या फिर अपोजिट एक्शन शो करेगा. ठीक है, अब एंटागोनिस्ट क्या है? तो एंटागोनिस्ट इज विच प्रिवेंट द एगोनिस्ट टू अटैच द बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर. ठीक है, अब ड्रग एंटागोनिज्म में हमने पांच की पढ़ी थी, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, केमिकल, रिसेप्टर एंड और एक कौन सी थी, याद करना. ठीक है, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, सब मैं ही थोड़ी ना बता दूँ आपको. ओके, तो एगोनिस्ट में क्या है कि वो एंटागोनिस्ट में पहले तो एक नॉर्मल रिसेप्टर होगा एगोनिस्ट, एंड एंटागोनिस्ट क्या करेगा, दे विल बोथ कम्पीट. तो मैंने उसमें भी आपको बताया था रिसेप्टर, तो उसमें रिवर्सिबली कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन. तो इसमें क्या हो रहा है कि कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव हो रहा है, दोनों कम्पीट कर रहे हैं, देन हैंस द उसमें नो रिस्पॉन्स मिल रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा. और पार्शियल एगोनिस्ट का मतलब क्या होगा कि विच एक्टिवेट द रिसेप्टर टू गिव सब मैक्सिमल रिस्पॉन्स, बट द एंटागोनिस्ट एक्शन ऑफ फुल एगोनिस्ट. ओके, तो एग्जांपल में देखो क्या कैसा है कि पहले तो आया और बाइंड किया, तो फुल इफेक्ट शो किया. ठीक है, एंड पार्शियल एगोनिस्ट जब नॉर्मल सिग्नल आके बाइंड किया तो फुल इफेक्ट शो किया, बट अगर पार्शियल एगोनिस्ट आके बाइंड कर गया तो वो एक्शन शो नहीं करेगा. मतलब कि उनकी एंटिटीज तो सेम ही हैं, बट अगर कोई दो में से एक आके पर्टिकुलर टाइम पे बाइंड हो गया तो या तो एक्शन शो कर सकता है या फिर नहीं कर सकता. सो इसलिए तो बोला गया पार्शियल एगोनिस्ट, मतलब सपोर्ट तो करेगा बट कभी कभी नहीं भी करेगा, दैट इज पार्शियली. ओके, एंड फिफ्थ इज लिगेंड, बाइंड सिलेक्टिवली एंड वो सिग्नल्स होते हैं और जो रिसेप्टर की एक्शन को बढ़ाते हैं या फिर इंड्यूस कर सकते हैं या फिर इनहिबिट कर सकता है. तो यही है रिसेप्टर्स में, कि रिसेप्टर्स में मेनली हमको एंटागोनिस्ट की याद रखना है, बिकॉज हमने पूरा अलग से टॉपिक ड्रग एंटागोनिज्म भी पढ़ा था. ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, फार्मेको विजिलेंस से लेकर के ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, फिर ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स के बाद हमने क्या पढ़ा,
साइटोक्रोम P450 के बारे में, वो लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो प्लीज़ प्लीज़ जाके देख लीजिएगा बिकॉज इट्स टू इम्पॉर्टेंट। वो एनिमेशन बहुत अच्छा है, यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ओके, एंड फिर एंजाइम्स और इनहिबिटर्स भी हमको याद रखना है, वो 1 to 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। सो CVP मैंने आपको बता दिया, ये कार्बामेज़ेपिन, फिनेटोइन एंड जो वेल्पोरिक एसिड, वो इनहिबिटर, और वो जो दो बचे हैं वो इंड्यूसर। और फिर हमने मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन पे काम किया, जैसे कि रिसेप्टर्स, फिर उसके टर्म्स एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट एंड लिगेंड्स। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मैं ऐसे ही कंटेंट्स आगे भी लाता रहूँगा। ओके, एंड कुछ भी डाउट्स हो तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो थैंक यू।